चटनी के रसोई में आज आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू का हलवा रेसिपी। आलू के हलवा रेसिपी के लिए मैंने 4-5 आलू लिया है, जिसको उबाल के इस तरह से मैश कर लिया है, बारीक मैश किया है, बहुत ही बेहतर। उसके लिए एक पाव खोआ लिया है, खोआ मैंने अपने घर ही में बनाया है। 25 काजू, 4-5 पिस्ता, सबको मैंने इसका हवाई कर लिया है। किशमिश 10-20, 250 ग्राम 200 ग्राम चीनी लिया है, 100 ग्राम घी लिया है देसी। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें घी डाल रहे हैं। एक छोटी इलायची, इसको मैंने घी में डाल दिया। घी गर्म हो चुका है देसी घी, अब इसमें इस आलू को भून डालूँगी बहुत अच्छे तरीके से। यह बहुत ही लजीज हलवा होगा, बहुत ही मज़ेदार। आप ज़रूर ऐसा ट्राई करेंगे। इसको खूब अच्छी तरीके से भून लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा चीनी, दूध डालेंगे, दूध हल्का डालेंगे, एक कप। कम टाइम में यह हलवा बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा, बहुत जल्दी यह हलवा तैयार हो जाता है। फिर हमको लो कर देते हैं। फिर लो कर दिया है मैंने, अब इसको बराबर चलाते रहेंगे ताकि तली में ना लगने पाए। भुना चुका है आलू पे, मैश किया हुआ बर्तन भुना चुका है खूब अच्छे तरीके से। इसकी खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब इसमें पहले मैं डालूँगा, फिर घी छोड़ रहा है, देख सकते हैं ये भुनाने की अलामत है। घी छोड़ रहा है, कितना बेहतरीन। इसमें आप दूध डाल दें। दूध डालने के बाद इसमें चीनी डालेंगे। दो सौ ग्राम चीनी डाला है मैंने, 250 ग्राम आलू में, 250 ग्राम इसमें मावा भी दिया है, ये मावा भी दे ही देते हैं। कटा हुआ ड्राई फ्रूट, वो भी आधा मैंने डेकोरेट के लिए रखा है। थोड़ा सा फूड कलर भी मैंने डाल दिया। कलर मैंने ये वाला डाला है। रेड फूड कलर मैंने डाला है। तले को खूब अच्छी तरीके से छुड़ा दूंगी। हम हाई फ्लेम पे इसे सुखा लेते हैं। मेरा आलू का हलवा जैसे कि तैयार हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा केवड़ा डाल रहे हैं, इस तरह का क्या मैंने डाला। देखिए कितना खुशबू आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। अब इसे सर्व करते हैं। अब ये ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर रही हूँ। ये बहुत बेहतरीन हलवा तैयार हुआ है मेरा आलू का। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया। कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें।